हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ नहीं, शाम का टाइम चल रहा है और हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर करने के लिए। मेरा बर्थडे था ना, तो हम लोगों ने जो बाहर जो प्लान किया था वो तो सब आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी इनकी पार्टी रह गई थी, मेरे कल्लू की पार्टी रह गई थी, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ डिनर करने के लिए। इसकी बहुत दिन से इच्छा थी कि अकेले दीदी अपन दोनों अकेले खाते हैं कुछ, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। कुछ खाने वाने का मन नहीं, बस साथ में घूमने का मन है। और मैंने ना साड़ी वही वाली पहनी जो बर्थडे के दिन पहनी थी, उस दिन तो मैं आपके साथ ढंग से लुक शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उसका ये वाला ब्लाउज सिलवाया था, ये वाली लेस लगवाई थी, मैंने आपको डिटेल्स बताई थी उस दिन। और अभी तीज गई है तो तीज की मेहंदी लगी हुई है मेरी, और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब फटाफट से मैं कपड़े चेंज करती हूँ, फिर आपको संग में लेके चलते हैं। तो आज हम लोग मूवी देखने जाने वाले थे, फुल रेडी हो गए थे, इसके बाल खुलने लग गए, फुल रेडी हो गए थे, और बारिश ने हमारे प्लान को कैंसिल कर दिया। अब हम घर में ही मस्तियां करेंगे। उसने ये ड्रेसेस लाई थी और मैं आपको दिखा नहीं पाई थी जल्दीबाजी में। क्या कर रही तू, कुछ बोल रही थी कम से कम? तो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी जल्दीबाजी में। मैंने ही ना बर्थडे वाली साड़ी पहनी, बर्थडे की तैयार की थी। इसकी डिटेल मैं आपको अलग से दे दूंगी, वरना क्या डिटेल, सिंपल सी साड़ी में लेस लगवा ली और ब्लाउज सिलवा लिया। तो मैं क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो मैं अब अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करके दिखाऊंगी। फिर आज रात में यही करेंगे, क्योंकि दिन में हम लोग आज पढ़ के सो गए हैं बिल्कुल। तो जिस दिन मैंने ये ब्लॉग बनाया था ना, उस दिन मैं अंजू की ड्रेसेस ट्राई नहीं कर पाई थी। इसका जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैंने वो ड्रेसेस ट्राई की है। अगर आपको देखनी है तो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना, आपको सीधे मैं अगले दिन लेके चलती हूं। गुड मॉर्निंग, दिस इज पिया, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो आज का एक और प्लान है, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। सावन का टाइम चल रहा है और इस बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि घर में इतने सारे काम थे कि मैं कहीं बाहर नहीं जा पाई हूँ आसपास में। तो आज हम लोग जा रहे हैं नीलकंठेश्वर। फिलहाल बच्चों को नहला दिया है, तैयार कर दिया है, किचन के सारे काम हो गए हैं, मतलब उतना सब मैंने शूट ही नहीं करा स्टार्टिंग वाला। और झलक कहाँ गई, झलक किचन में थी, पता नहीं कहाँ गई। हाँ, झलक ये रही, झलक देवी आटा लेके आई है अभी गूंथने के लिए। मैं जस्ट नहाने जा रही थी, मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आपसे गुड मॉर्निंग कर लूँ एटलीस्ट। और ये रही हमारी कल्लू, बस जा रही है ये भी कपड़े चेंज करने, फटाफट से नहा के आती हूँ, फिर आपको भी दर्शन कराने चलती हूँ नीलकंठेश्वर के। हर हर महादेव। तो मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने ये वाला सूट पहना है फिलहाल, तो सूट पहन के जा रही हूँ कि साड़ी पहनने का टाइम नहीं, लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। इनने कपड़े चेंज कर लिए थे, अभी फिलहाल से फिर से तो मैं हो गई तैयार पूरी फाइनल वाली। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं, सब तैयार हैं, इसलिए रास्ते का दिखाऊंगी। इतनी स्पीड, मतलब हमारा एक घंटे से, अभी एक घंटे पहले प्लान बनाया, खाना बनाया उतनी देर में हम लोग स्पीड के संग, क्योंकि बारिश है तो बाहर का खाना बिल्कुल हम लोग अभी फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। ये तैयार हो गई, बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो, ये भी तैयार हो गई। अगर हम लोग सूट पहना, साड़ी पहनने के टाइम था नहीं कि साड़ी पहने, सोचे क्या करें। तो अब निकल रहे हैं, आज ना मैं और मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं बाइक से और ये लोग निकल रहे हैं सब लोग कार से। तो आज कुछ अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा। Are you happy? No? Why? Why? इधर आओ। ओहो, इसकी इसकी ड्रेस बहुत सुंदर है, देखो ये, मतलब इसका सूट का, इसकी सूट का पैटर्न देखो। ए, ये बाल क्या कर ली तुमने? अरे बाल गर्मी लग रही, वहीं जाके सही। ओह गॉड, उतना तेल, तेली। होय चक चक है तू, है चक चक। अब मैं आपको कराऊंगी बाबा के दर्शन। चला चला चला, ठीक है, आ गए हम लोग अब यहाँ पे। ये पाली में पड़ता है और सामने हनुमान जी का मंदिर है। अभी वो लोग ना आए नहीं है हमारे साथ वाले, अरे आ गए आ गए, इन्हें आते से पानी पूरी खाना है, ठीक है, मेरी मेरा व्रत है और इन्हें आते से पानी पूरी खाना है, इन्हें ये शर्म नहीं आ रही। अगर आपको याद हो, मेरी जब दादी सास जिंदा थी उस टाइम पे हम लोग आए थे इस वाले मंदिर पे, तब भी मैं आपको लेके आई थी यहाँ पर। अभी ना हमारा मंदिर में चढ़ना कोई इतना जरूरी काम नहीं, इससे पहले ये जो जरूरी काम है वो हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखो, और इनका मेन चश्मा निकल के ये चश्मा लगा इनका, है ना, जरूरी काम वो नहीं है। भैया कह रहे हर जगह यही होते है। हाँ, तो हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी ना हम लोग नीलकंठ मंदिर जा रहे हैं, महादेव का मंदिर है ये। और सबसे बेस्ट बात है, देखो कितनी हरियाली, अभी सावन का टाइम है तो झरना कितना बढ़िया बह रहा है, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है तो हर जगह पानी है, हरी भरा सब कुछ, मतलब कितना हरा भरा सा है। यहाँ पे आके ही आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। अगर आप ललितपुर के हो या इसके आसपास के हो तो पाली में पड़ता है ये, और अगर आप कभी यहाँ पे नहीं गए हो तो एक बार जरूर जाना। यहाँ पे ना आपको भगवान शिव एक मुखी रूप में मिलेंगे, मतलब जनरली आपने भगवान शिव को ऐसे लिंग के रूप में या एक गोले पिंड के रूप में देखा होगा, लेकिन एक मुखी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे एक मुखी रूप में
में मिलते हैं ना, भगवान शिव अपने त्रिमुखी अवतार में है। और मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे बताई थी, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो पियाली रजावत मेरी आईडी, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको भी दर्शन कराए हैं साथ में। और इधर मुँह कले टेढ़ी मेढ़ी मत दिखनी तो कहेगी कि मुझे काट देता, और रस्ते में पानी बरसा था इसलिए मेरे सिर पे ना सिंदूर ऐसे नाक तक बह गया है। अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग के तो व्रत हैं, लेकिन इन लोग के लिए हम लोग खाना लेके आए थे घर से बनाकर। तो एक्चुअली ना क्या है? हाँ अपन है ना कुछ कोई सी भी लिपस्टिक लगा ले उसमें ऑरेंज ही दे। ऐसा नहीं है, मेरी देख लो दिख रही है, लगाई नहीं छूट गई आपकी तो? नहीं जितनी लगाई वो ऑरेंज नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं इन लोगों को खाना खिलाने के लिए, हमारे साथ पार्टी चली गई, हम थोड़ा सा रेस्ट करने बैठ गए थे, अब निकलते हैं। अब हम आ गए हैं, ये एक और मंदिर आए हैं और यहाँ पे ये भी यहीं पे पाली पे ही है, और सीता जी का कोई मंदिर है, अभी मंदिर जाके देखते हैं, अभी मुझे पता नहीं है। तो अभी हम लोग आए हैं श्री सीतामढ़ी मंदिर, बहुत प्यारा क्या, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ही मतलब शांति सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सीतामढ़ी आश्रम। अभी मैं यहाँ के पंडित जी से बात करूँगी, यहाँ की मान्यता के बारे में पूछूँगी क्या है, लेकिन काफ़ी पुराना लग रहा है ये। दीदी तो अभी हम लोग सब बैठ के खाने लग गए थे, मतलब मेरे और अंजू के तो व्रत चल रहे हैं तो घर के बाकी लोगों को हम लोग खाना खिलाने लग गए थे। और इस तरह से घर से खाना लेके आओ, बच्चों को थोड़ा सा ऐसे घुमाओ फिराओ खिलाओ, तो प्रॉपर वो पिकनिक वाली फीलिंग आती है। हम लोगों के टाइम पे ना स्कूल से पिकनिक जाया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को तो पिकनिक पता ही नहीं है, तो बस उनको पिकनिक पता करवाने के लिए हम यहाँ आए थे। बहुत बहुत ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय करा, और घर जाना है जल्दी चलो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन्हें घर जाना। सब फर्जी बात है, सही बोल रहे, अभी टिकट नहीं कराया, फर्जी बात है। बहुत पानी बरस रहा था, वो लोग तो आगे निकल गए, हम लोग रुक गए थे रस्ते में, और बहुत ही मजे आए, मतलब इतने दिनों बाद इतनी अच्छी बाइक की राइड, और मौसम बहुत। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, वापस जाते टाइम बहुत पानी मिला था हम लोगों को, तो रस्ते में रुके ये भुट्टा खाने लग गए थे, और मैं बस ऐसे ही फोटो और वीडियोबाजी करने लग गई थी। अब शाम को अंजू को वापस अपने मायके जाना था, तो बस हम लोग शाम को निकल गए थे इनके मायके जाने के लिए। 46 प्रिया सिंह। तो अब ना हम लोग वहाँ से आके थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, और अब ना इनका टाइम हो गया है घर जाने का, आज ये घर जा रही है, तो हम इन्हें छोड़ने के वापस आ रहे हैं घर पे। ये मेरा रुद्री है, रुद्री रुद्रु मेरा बेटा जा रहा है, भैया देखो। अरे दिख नहीं रहे ये लोग, लेकिन अब ये लोग फाइनली बस में बैठ गए और हम लोग अपने घर जा रहे हैं। बाय करो संटू, बाय करो। सो अब ये लोग अपने घर के लिए चले गए हैं, रुद्र अपने नानी के घर चला गया है, अभी वापस से ये लोग आएंगे यहाँ पे, और इसके बाद ये लोग अंबाला जाएंगे, अंजू अंबाला में रहती हैं। तो यस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब जब ये वापस अंबाला को निकल जाएंगे उसके बाद ही मैं अपने स्टाइलिंग वीडियो स्टार्ट करूंगी, वरना मैं नहीं चाहती फिर से स्टार्ट करूँ, फिर से गैप हो, तो तब तक एक दो ब्लॉग्स अभी और आएंगे और उसके बाद प्रॉपर वे में मैं अपने स्टाइलिंग वीडियो स्टार्ट कर दूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।